अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरा व्लॉग जो है आज आप सबके सामने हाजिर है। बहुत दिन गुजर गए हैं, 1 वीक तो गुज़र ही गया होगा। मेरा लास्ट व्लॉग जो है अपलोड हुआ था तो बस जनाब बच्चों के स्कूल जब से ओपन हुए ना तो सारा टाइम बच्चों के साथ ही बहुत बिज़ी हो गई हूँ। और मैं कहती हूँ यही कि सबसे पहले जो बच्चे, घर, फैमिली और उसके बाद बाइटी या बाकी सब कुछ। इसके अलावा जी ये कुछ दिन पहले मैंने हॉट प्लेट जो है एक छोटी सी वीडियो मैंने शेयर की थी और उसके बाद कुछ कमेंट्स आए थे उसके ऊपर कि हमें जो है ना इसका रिव्यू दें। मैं आपको कभी भी इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। उस फैमिली में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनको तो कभी भी नहीं रेकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत नाजुक सी होती है। मैंने जो मंगवाई थी ना, आई थिंक वो कोई 8 मंथ या 9th मंथ या कोई 6 मंथ ही मैंने उसको यूज़ किया होगा और उस 6 मंथ में आई थिंक 4-5 बार जो है उसमें कोई ना कोई मसला ज़रूर आया है, ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मैकेनिक के पास फिरते रहो और कभी कभार जो उसके पार्ट्स होते हैं ना वो मिलते भी नहीं हैं और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ जो ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद आप मैकेनिक के पास फिरते रहो और जब नहीं ठीक होगा ना तो फिर आपका जो है 6-7 हज़ार का जो नुकसान है ना वो हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने उसको यूज़ किया था, आई थिंक कि बहुत ही एहतियात से मैंने उसको यूज़ किया था लेकिन ज़्यादा देर वो फिर भी नहीं चल सकी। तो अभी जनाब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमारे नेबर हैं, उनके घर में उन्होंने लिया था। उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो सिर्फ 2 दिन उन्होंने इसको यूज़ किया और उसके बाद इसमें ये मसला आने लगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसके बाद फिर अचानक से जो है बंद हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड जो है उनको छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि कुछ ना कुछ ठीक करना हो तो उनको आता है, तो अभी वो देख रहे थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है तो उन्होंने यही कहा था कि अब इसका ठीक होना जो है ना वो मुश्किल ही लग रहा है। आई थिंक के ज़्यादा ही जो है इसमें कोई ख़राबी आ गई है, बड़ी ख़राबी आ गई है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये आप अगर लेना चाहते हैं ना बिल्कुल भी नहीं लें। इसके बरक्स अगर आप एक छोटा सा जो हीटर मिलता है ना जिसमें जो आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं और मार्केट में भी उस तरह के मिल जाते हैं, कभी मैं उसकी भी एक छोटी सी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसका ये कि वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चल जाता है और बहुत आसानी भी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर आपका सिर्फ पैसा ज़ाया होगा और उसके बाद सिर्फ आपको टेंशन होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। तो जनाब यहाँ पे सुबह सुबह जो है उठने के साथ ही ना मैंने लॉन्ड्री का जो काम था ना सबसे पहले वो निपटाना था। बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो चुके थे और मेरे घर में लॉन्ड्री जो है ना हफ्ते में 2-3 बार जो है वो लाजमी होती है। बच्चे बहुत छोटे हैं, दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चों के कपड़े बार बार बदलते रहो और अपने भी जो है ना दिन में 2-3 बार जो है रात तक जो है वो लाजमी, जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो वो चेंज करने होते हैं। ऐसे में जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री जो है वो इकट्ठी हो जाती है। आज जो है मैंने सुबह उठने के साथ ही वॉशिंग मशीन लगाई थी और साथ में बेड शीट्स भी थी, इसके अलावा कुछ खेस वगैरह थे बच्चों के कपड़े, मतलब कि जब हैवी कपड़े होते हैं ना तो तभी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, वरना जो कपड़े डेली हमारे उतरते हैं ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वॉशिंग मशीन का इंतज़ार किए बगैर, क्योंकि कभी कभार जो है लाइट भी चली जाती है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप लाइट का वेट करते रहो, जब लाइट आए उसके बाद आप वॉशिंग मशीन जो है वो यूज़ करो। तो बेहतर यही है कि बस हाथ पे वॉश करके ना जल्दी से डाल दो। मैं बस ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद जी बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम था और मुझे जाना था, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। मंथली ग्रॉसरी जो है मेरे पास ख़त्म हो गई थी। इस बार मैंने ना ग्रॉसरी बहुत कम की थी क्योंकि लास्ट मंथ का मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो राशन था ना वो बचा हुआ था। तो अभी महीने का एंड है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा जाके ना थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेती हूँ। मंथली ग्रॉसरी का आपको ये फ़ायदा होता है ना कि जब आप एक साथ सारे महीने का राशन जो है वो ले लेते हो ना तो आप यकीन करें उसमें इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है। कभी आप एक महीने का परचेज़ करते हो ना तो आपका एक महीना, 15 दिन 10 दिन आसानी से गुजर जाते हैं। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो है ना आपकी बच भी जाती हैं। तो कुछ घरों में डेली भी आता है और कुछ घरों में 15 दिन का, कुछ में हफ्ते के बाद जो है वो ग्रॉसरी होती है, मतलब कि उन्होंने अपने हिसाब से रखा होता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि पूरे मंथ की जो ग्रॉसरी है ना वो एक साथ क्या करें, इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा जनाब, बच्चे का जो दूध है ना छोटे वाले का वो मैंने चेंज कर लिया है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इससे पहले एबल 3 जो है वो मैं लाती थी जो कि बहुत मुश्किल से मिलता था और उस पर सेट भी वही था जब से वो पैदा हुआ था ना, तो उसके यूज़ में वही था। लेकिन अभी ऐसा है कि
मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और जाहिर सी बात है बच्चा भी 2 साल का माशाल्लाह से हो चुका है। तो मैंने सोचा अभी जो है ना मैं चेंज कर लेती हूँ, तो मैंने इसको जो है ना वो नीडो वो लगा दिया है, सेट आ गया इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब से जो है वो नीडो ही आएगा। और जनाब मेरा जो गला है ना, मौसम थोड़ा सा भी ख़राब होता है ना, सबसे पहले जो अफेक्ट होता है ना उसका मेरे गले पे होता है। और जब मैं घर आई थी ना, आने के साथ ही मैंने ग्रॉसरीज मेटी, साथ में ये चिकन लिया था कुछ, तो मेरी कोशिश यही थी साथ साथ में जो है लॉन्ड्री हो रही है अपनी मर्ज़ी से मशीन, जाहिर सी बात है जब उसकी घंटी बजेगी ना तभी मैं मशीन की तरफ जाऊँगी, तो उससे पहले जो मेरे बाकी के काम है ना मैं वो कर लेती हूँ। इसके अलावा जी ये CSE 1000 जो है मैंने लिया था, एक ही मैंने लिया था, और इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा बुरा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये मैंने लिया है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। शुक्र है कि एक ही मैंने लिया था। और अभी जो है ना आजकल मेरा BP जो है बहुत ज़्यादा डाउन रहने लगा है, वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये मल्टी विटामिन, इसके अलावा और भी थी जो भी मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, तो बस ये जो है ना आसानी से आप यूज़ कर लेते हो, इसलिए मैंने ये ली थी और एक ही ली थी। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी, अभी महीने का वैसे भी एंड है। तो साथ में यहाँ पर साथ साथ में ग्रॉसरी भी समेट रही थी। और ये जो वॉशरूम और किचन से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, ये मैंने छोटा सा एक कॉर्नर बनाया हुआ है, यहीं पे मैं रखती हूँ इसको। और ये जो एक पैकेट आप सर्फ एक्सप्रेस का देख रहे हैं ना, ये मेरे पास लास्ट मंथ का जो है बचा हुआ था, और एक बार एक जो है इस महीने का। मंथली ग्रॉसरी का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि आपने सारा महीना जो है उसको इस्तेमाल करना है, और आप उसी तरह बजट के मुताबिक आप चलते हो। इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएं, अगर आपके लिए आसानी है, जाहिर सी बात है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, तो उनके खर्चे मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा हैं। छोटे बच्चों के साथ जो है घर मैनेज करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, स्पेशली जो बच्चे स्कूल जाते हों, आपके दूध पीने वाले जो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जैसे कि 1 साल 2 साल के जो बच्चे हैं ना, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है सबके रिज़्क में इजाफ़ा करें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे बच्चों ने स्पैगेटी का बोला था, तो उनके लिए मैं स्पैगेटी बना रही थी, और साथ में मेरे पास दिन का बचा हुआ लंच जो बनाया था थोड़ा सा कुछ ना कुछ बच गया था। मैंने सोचा था कि बस यही जो है ना हमारा डिनर भी हो जाएगा, जिसने जो खाना होगा ना अपनी मर्ज़ी से खा लेगा। और बस हस्बैंड के लिए मैंने चपातियाँ बनाई थी, रात में थोड़ा सा जो है रात का सालन था मेरे पास। और यही पर ब्लॉग का एंड भी है हमारा, यहाँ पर डिनर टाइम है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।